नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अनावश्यक नियमितीकरण को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। आज की बड़ी खबर अनावश्यक न्यूज पर वायरल वीडियो का सच, सटीक जानकारी। इलाहाबाद बहराइच की रैली में अनावेशकों के नियमितीकरण को लेकर बात दोहराई अखिलेश यादव। हमारे शिक्षक जानते हैं कि इनका भी नियमितीकरण होने जा रहा है। हमारे शिक्षा मित्र होंगे वो जानते हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। ये 57,000 की भर्ती बंद पड़ी है और 11 लाख में अगर सबसे ज्यादा नौकरी कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। बताओ हमारे साथियों गोंडा के तो देखा साथियों, आपने यहाँ पर अमर उजाला ने भी प्रयागराज से छापा है, बीएड संघर्ष मोर्चा अनुदेशक सभी लोग इस रैली में पहुंचे और नियमितीकरण की पट्टियों को लेकर सफेद बैनर आदि लेकर सफेद टोपी पहने अपने तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया और अपनी मांग को उनके समक्ष रखा। उन्होंने इस बात को दोहराया फिर से कि अनावेशकों का नियमितीकरण होने जा रहा है, 10 मार्च के बाद सरकार बनती है तो अनावेशकों का नियमितीकरण किया जाएगा। ये थी आज की अपडेट, मिलते किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।